नमन करत हो नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला, वंदन करत हो मोर भीम बाबा तोला, वंदन करत हो मोर भीम बाबा तोला, नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला, नमन करत हो वंदन करत हो, नमन करत हो मैं वंदना करत हो। संविधान बनैया मोर भीम बाबा तोला, नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला। कि आज बाबा गुरु घासीदास जी सन 17वीं शताब्दी के समय भारत देश में राजतंत्र रही, राजा के चले अधिकार, तो सन 17वीं शताब्दी में राजतंत्र रही, राजा के चले अधिकार, और गरीब जनता के संग में हत्या चोरी डकैती होएगा बलात्कार, तो जात पात छुआछूत भेदभाव के कारण गरीब जनता ला पढ़े लिखे के नहीं रही अधिकार, राजतंत्र में गरीब समाज राजा के रहीन गुलाम और लाचार, तो सब जनता के दुखला देख के गुरु बाबा सतनाम आंदोलन चलाए, राजा के नीति के विरोध में सब जनता ला इकट्ठा करके सतनाम के पाठ पढ़ाए, तो वही सतनाम आंदोलन के कारण जनता ला मिल गए ज्ञान, ओकरे से तिरसन शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी बन गए विश्व में महान। इसलिए हमने कहा के बड़े बड़े ये दुखी भूखी मन खेला नहीं हम उठाए बाबा नहीं जगाए, स्वतः नाम ज्ञान लाई हलकाए बाबा नहीं हलकाए, ये तोरे तो ज्ञान बाबा सबके मन भागे, तोरे तो ज्ञान बाबा सबके मन भाए, तोर ज्ञान बाबा सबके मन लभागे। आज से 200 साल पहले बाबा गुरु घासीदास जी के ज्ञान है, चाहे वो साहू समाज के भाई रहे, चाहे वो केमठ समाज के भाई रहेगा, चाहे यादव समाज के भाई रहे, चाहे लोहार समाज के भाई रहे, 47 समाज बाबा गुरु घासीदास के विचारधारा से सहमत होकर के सतनाम के डोर पहन लेने ने। आप मल्ला इतिहास से पता चलते तेलासीपुरी में आज भी साहू भाई हैं, यादव भाई हैं, आज सतनामी बने हुए हैं, सतनाम के विचारधारा में चलते हैं, तो हमन भी अपन पिछड़े वर्ग के भाई ला भाईचारा बना करके समझाए के प्रयास करें। तोह का अधिकार जिले है बरते सिखाए, हक अधिकार जिले हो गए दुनिया में,
भी बाबा बोल गावतावा मैं हा मंगल भजन तो 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 बोलिए अपने माता पिता की। तो मेरे दोस्तों आइए हब जो कि गुरु कबीरदास ने क्या कहा के गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ औ बलिहारी गुरु आपकी की गोविंद दियो बताओ कि भगवान गुरु आपके बीच में है खड़े हैं आप कैसे पहचानोगे। अगर मैं कह दूं कोई भगवान हो तो लोग डंडा लेकर के आ जाएंगे मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। लेकिन गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि भाई सभी संतों महापुरुषों को तो आपका मनवादी लोग समाप्त कर दिए थे मिट्टी में मिला दिए थे लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने खोज निकाला और उसके बाद माननीय काशीराम जी ने तमाम संतों महापुरुषों को खोज निकाला और पूरे मानव समाज के बीच में लेकर के आए। तो उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुरु का मैं एक वंदना गीत गा करके फिर हम बाबा के ज्ञान को बताने का काम करेंगे। आइए नमन करत हो नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला वंदन करत हो मोर भीम बाबा तोला वंदन करत हो मोर भीम बाबा तोला नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला नमन करत हो वंदन करत हो नमन करत हो मैं वंदना करत हो संविधान बनैया मोर भीम बाबा तोला नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला सबसे पहले आए बाबा साहब भीमराव जी सबसे आगे आए। ए मेरे माता बहनों चाहे वो नारी मुक्ति का मामला हो चाहे इस भारत देश के मूल निवासियों का हक अधिकार का मामला हो अगर किसी ने सबसे पहले जानने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमारे संतों महापुरुषों ने तो अपने अपने समय में काम किया ही लेकिन बड़े अंतराल के बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए और इस भोली भाली जनता के दुखला देख करके बाबा गरीब जनता की सेवा गरीब जनता की सेवा पर लगाए तंदर चोला नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला वंदन करत हो मोर भीम बाबा तोला। आपने इस धरती में
इस भारत देश में तेली कुर्मी राउत नाव धोवी काची करार बरार सुरार गाड़ा घसिया सतना में सूर्यवंशी गोड़ कमर बिंझवार तमाम इस गरीब समाज को उनके शिक्षा का जोत जलाने का काम किया। अंधेरा भगा के अधिकार वही आ मोर भीम बाबा तो नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला ए मेरे भीम, आपने जो खड़ी व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था मनु के द्वारा बनाया गया जात पात छुआछूत भेदभाव को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसी दिन शपथ ले लिया था जिस दिन उसको बचपन से ही ये दुख झेलने के लिए मिला और उसी दिन शपथ ले लिया कि मनु तुम्हारे इस विधान को एक दिन मैं जला कर राख कर दूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनेकों दुख सह करके अपने चार चार पुत्रों का बलिदान दे करके इस गरीब समाज को हक अधिकार दिया, तमाम हक अधिकार दिया और एक दिन उसी मनु के कानून को जला कर राख कर दिया। जरा ताली बजाइए उस बाबा साहब अंबेडकर के लिए। मनुवादी व्यवस्था के उठाए अर्थी डोला ए बाबा नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला बलन करत हो मोर भीम बाबा तोला नमन करत हो रंग रंगत हो नमन करत हो संविधान बनैया मोर भीम बाबा तोला अधिकार भैया मोर भीम बाबा तोला बहुजन दिया आके ते जलाए एससी एसटी वो भी सिला आगुते बढ़ाए एससी एसटी वो भी सिला आगुते बढ़ाए। अरे बाबा एससी एसटी ओबीसी ही नहीं पूरे भारत देश के हर नागरिक हर पेड़ पौधा हर जीव जंतु हर तालाब नदिया नाला चाहे वो सबका धर्म हो अगर सभी का सुरक्षा की बात लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। लेकिन आज भी इतने अधिकार देने के बावजूद भी अगर हम अपने गांव के स्तर पे जाएं अगर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाना है अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है हमें 1 किलो चावल दे दो हमें 10 रुपया उस मिशन को आगे ले जाने के लिए दे दो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब इतना विद्वान उन्होंने कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया और पूरे भारत देश के हर नागरिकों का सुरक्षा की बात लिखा।
तो मेरे माता बहनों, फिर भी आज भी हमारा समाज कत को समझा ले जनता लो, कत को समझा ले जनता लो, भोला के भोला। अब भी हम भोला बने हैं, लेकिन डहरिया चढ़ावे, डहरिया चढ़ावे चरण में श्रद्धा के फूल माला, नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला, नमन करत हो मोर भीम बाबा तोला, नमन करत हो, वंदन करत हो, नमन करत हो, मैं वंदना करत हो, नारी के मुक्ति दाता मोर भीम बाबा तोला, भीम बाबा तोला, न्याय के दवैया मोर भीम बाबा तोला, संविधान बनैया मोर भीम बाबा तोला, संविधान बनैया मोर भीम बाबा तोला, न्याय के देवैया मोर भीम बाबा तोला। हे बाबा, हम जितना भी गुड़गाए, जितना भी नमन करें, वो कम है। तो मेरे दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा के आगे जयंती सब आनंद मंगल गावा, जयत काम में सादा के झंडा लहर लहर लहरा, तो साजो झांझ बांदर झूमो नाचो सब संगवारी, सतनाम के जयकारा लगावा सबो जन ओसरी पारी, पंथी के धुनमा गाओ गाओ चमके, और सबके मन हरसावा, जयत खाम में सादा के झंडा लहर लहर लहरावा। तो गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए बर सगा पहुना जुड़ आए, बेलाकाश बंगोली लागे आज 11 फरवरी आए, तो 18 दिसंबर के दिन गुरु बाबा जन्म लेके आए, और सतनाम के पंथ चला के सबो संतोला सत के डहर बताए, तो हमें क्या करना चाहिए? का नाम है दाई? सुंदर भाई दाई की तरफ से मोला 2 रुपया के सप्रेम दे है, यह माने 2 करोड़ रुपया के आसपास है। जोरदार दाई के लिए ताली लगावा। 80 साल के दाई बात ला समझ करके पुरस्कार देते, प्रणाम है, सादर जय सतराम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवा नवा सब कपड़ा पहनो, सुर गावा, जयत काम में सादा के झंडा लहर लहर लहरा। उम्र में बड़े है दाई में है, तो अभी तो 45 साल के हैं। अच्छा, कचरा भाई दाई की तरफ से 10 रुपए के सप्रेम भेज। तो गांव गांव सभा जयंती होत है, सुन ले चतुर सुजान, गुरु ज्ञान ला हृदय में धर ले, सुन ले लगा के कान, गुरु के रास्ता चले खातिर संकल्प करो अपन मन मा, और सतनाम के प्रचार करके भाईचारा बनावागा जन जन मा। और का करना चाहिए? ये सुरता में घरो घर अपन बाबा जी के याद मा, सतनाम के दिया जलावा, और जयत खाम में सादा के झंडा लहर लहर लहरावा। तो कस बहनी हो, कई दिन हो के जयंती है संत जी? 3रा दिन है। अब आप मल्ला पूछना चाहा था, काकर काकर घर मा, बाबा जी के याद मा, अपन लेंटर के ऊपर मा, अपन डेहरी चौरा मा, मोमबत्ती और दिया कौन कौन जला रहा हाथ ऊपर करा?
देखा हिज गम नहीं भाई, वो हाथ ऊपर कर दी तो मैं ऊपर कर दाऊ। जोरदार ताली बजावा हमारे माता बहनी मन के लिए। और आज आखिरी दो दिन नहीं जले हो ही था, तो नहीं जले हो ही अलग बात है, लेकिन आज रात्रि के काबर में है वो दिया ला देख के जहां, वो प्रकाश ला लेके जहां। अब इतिहास में मैं पढ़ता तो बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज शायद ही बंगोली है, क्यों दूसरा बंगोली में नहीं जाना, लेकिन बाबा जी के दूसरा है ना, लेकिन वही बंगोली के बराबर है हमारे बंगोली गांव, हाँ, जहाँ ज्ञान के प्रचार हुआ थे। तो आज रात के 6 बजे 7 बजे आप मन घरों घर मोमबत्ती हो, चाहे माटी के दिया हो चाहे आटा के दिया हो, जलाहा घरों में, घर में अपन डेहरी चौरा में जलाहा बहनी हो, तब बाबा जी के जयंती मनाथ के गांव दूसर गांव के मन जाने ही। तो बाबा कैसे बाबा जी के जयंती मनाना चाहिए हम अल्लाह सीखे वाला गे। गुरु बाबा के आगे जयंती का सतनाम के पाठ पढ़ाना है, गुरु बाबा के आगे जयंती का सतभाव के पाठ पढ़ाना है, सर्व समाज लगल लगा के आपस में भाईचारा बना के। सर्व समाज लगल लगा के आपस में भाईचारा बना के, सतनाम के पाठ पढ़ाना है। ऐ मेरे माता बहनों बुद्धिजीवी साथियों, हमें कैसे जयंती मनाना चाहिए कि सर्व समाज ला गले लगा के आपस में भाईचारा बना के। यह पिछड़े वर्ग के भाई है कि नहीं हैगा, ये मेरा है जी, हमर साहू भाई, डीमर भाई, कोई केवट भाई, जो भी भाई हो ही आए है मेरे का, कोनो अभी नहीं आए, निमंत्रण नहीं गए काजी, गए ना निमंत्रण, आते ना, तो सर्व समाज लगले लगा करके आपस में भाईचारा बना करके सतनाम के अलख जगाना चाहिए। तो सर्व समाज लगले लगा के आपस में भाईचारा बना के, सर्व समाज लगले लगा के आपस में भाईचारा बना के, सतनाम के अलख जगाना है। गुरु बाबा के आगे जयंती का सतनाम के पाठ पढ़ाना है, गुरु बाबा के आगे जयंती का सतभाव के पाठ पढ़ाना है। काकरों से बैर सब है साथी अपना, न कोई छोटा ना न कोई बड़ा मोर गुरु बाबा के कहना, न कोई छोटा ना न कोई बड़ा मोर गुरु बाबा के कहना। क्या संदेश दिया बाबा ने, न सतनामी समाज के लिए कोई गैर है, न हमारे लिए कोई बैरी है, हमारा सब साथी अपना है, क्योंकि हम सतनाम का वंश है, सत्य के मानने वाले उन संतों महापुरुषों के हम पुत्र हैं, इसलिए हमका राम फर्ज क्या बनता है कि हम भाईचारा बनाए। अन्ना कोई छोटा ना कोई बड़ा मोर गुरु बाबा के कहना, ना मानव समाज में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बनाने वालों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया, उस पर हमें नहीं चलना। बाबा ने कहा मनखेला मनखे एक समान बनाना है, तो हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बकरी शेर ला संगारे ला के एक एक घड में पानी पिया के, बकरी शेर ला संगारे ला के एक एक घड में पानी पिया के, जलाना है।
गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है, गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है। जुआ और हिंसा रा हृदय से दूरी हटावागा, अंधविश्वासी रूढ़िवादी ला जनता से दूर भगावागा, अंधविश्वासी रूढ़िवादी ला जनता से दूर भगावा। बाबा ने क्या संदेश दिया, नशा जुआ हिंसा सी है मेरे सतनामी समाज, है मेरे पिछड़ा समाज, आप दूर रहिए। जय सतराम भाई, अभी हमारे संत जी बहुत सुंदर प्रवचन करत ने, का नाम है साहेब? अच्छा मैं तो आप ला जाना था। खंभन सोनवानी जी अभी अपन वक्तव्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रवचन करत ने है, बोला बहुत अच्छा, मैं खास खास सुनत रहे हूं। जोरदार पंडित के लिए ताली बजावा। अंधविश्वासी रूढ़िवादी ला जनता से दूर भगाना है। ऐ मेरे माता बहनों, एक तरफ हम बाबा गुरु घासीदास जी के भी जयंती मनाते हैं, आए ना महाराज, लेकिन दूसरी तरफ अब 3 दिन जयंती हो गई, अब ओकर बाद में कब होली आवेगी क्या गोरा तो हागा, कब और त्योहार आवेगी के हमन वेट करत हन। तो मेरे माता बहनों और काकर काकर लोग लेकर के गोड़ मार काला धागा बंधाए, सच्चा बता ओकरों बधाई थोड़े बेटी हो, तब बढ़िया जोरदार ताली बजावा सतनाम गांव एकर कारण है। सुख शांति के समाज बना के उजड़े मनोला फिर से बसा के, फटके भाई लड़ा बताना है, गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है, गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है। घासीदास ने क्या संदेश दिया, कहे मेरे माता बहनों, ऐ मेरे बुद्ध जी भी साथियों, कहने के लिए मात्र 2 दिन की जिंदगानी, ये 100 साल की जिंदगानी है, जिसका अच्छा खान पान चाल चलन आचार विचार व्यवहार ये शुद्ध रहेगा तो वो 100 साल से ऊपर जिंदगी जीवित रह सकता है। इसलिए करवे सम्मान ता पावे सम्मान तह बढ़िया कर ले व्यवहार ला, हमें सभी भाई बहनों का सम्मान करना आना चाहिए, ये गुरु ने कहा। समता मूलक समाज बना के बंजर भूमि में पौधा लगा के, पुष्पेंद्र मांडले संतोष किराना दुकान के तरफ से 20 रुपए के सप्रे भेंट मिले हैं, दाईला सादर प्रणाम, होकर व्यवसाय बढ़िया चलाए, प्रकृति से अनुरोध है। बंजर भूमि में पौधा लगा के विश्वास के दीपक जलाना है, गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है, गुरु
गुरु बाबा के आगे जयंती गा सतनाम के पाठ पढ़ाना है, सदभाव के पाठ पढ़ाना है, सतनाम के पाठ पढ़ाना है, सतनाम के पाठ पढ़ाना। संगवारी हो, आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी चाहिए तो ये वीडियो ला लाइक करूँ, कमेंट करूँ और शेयर जरूर करूँ। और हाँ संगवारी हो, मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दे हूँ। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।